सो अकॉर्डिंग टू मी, फिर से कह रहा हूँ कोई और वे भी हो सकता है, फिजिक्स है, 10 वेज होते हैं एक ही चीज़ को करने के, ये डायग्राम सही नहीं है। ऐसे आंसर प्रॉपर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, अब जैसे यहाँ से देखो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो इसी को नीचे की तरफ ऐसे सीधा 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 करके प्लॉट करना है, और ये जो वोल्टेज है इसी को हम कहते हैं वी जीनर वोल्टेज, एंड यहाँ हमारा एक्सपेरिमेंट होता है ख़त्म। हाय, सो आज हम करने जा रहे हैं एक नया एक्सपेरिमेंट, नया नहीं, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, फेमस एक्सपेरिमेंट जीनर डायोड, एंड हम फॉलो करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक को। अगर आप इस बुक को फॉलो नहीं भी करते हैं, इस बोर्ड से नहीं भी हैं, तो भी फिजिक्स को कोई भी नहीं बदल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड की जस्ट अभी वीडियो ख़त्म की थी, तो मैं उम्मीद करूँगा आप वो देख लें, भले ही इस बार वो सिलेबस में नहीं है, बट पीएन जंक्शन के बिना जीनर अधूरा है। जीनर डायोड बनाया क्यों था, एग्जामिनर समझो पूछ सकता है, तो आप क्या बोलोगे, क्या है आंसर? जीनर डायोड इस वजह से बना था बिकॉज पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन रीजन में फेल हो रहा था, तो पीएन जंक्शन के बिना जीनर अधूरा है। सो वो वीडियो देख लें, भले एक्सपेरिमेंट नहीं है आपको, फिर यहाँ पर आएँ। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे जीनर डायोड से। तो कुछ कॉलेजेस में किट ऐसे रहती है, असेंबल्ड सब बना हुआ है, रेडीमेड, जैसे बचपन में कार्ड गेम्स होती थी। कुछ कॉलेजेस में और सिंपल होती है, दो वायर डालो, काली वायर काली में, लाल वायर लाल में, चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। कुछ कॉलेजेस में डायरेक्टली ऐसा यहाँ पर रहता है। ओके, अब मैं बात करूँ हमारे स्टेट बोर्ड की, मुझे कुछ यहाँ पर कमी महसूस हो रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, यस हो सकता है, बट यहाँ पर समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। ओके, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिस्टेक है। जीनर डायोड जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पर इन्होंने जो सर्किट डायग्राम दिया है, यहाँ पर इन्होंने रेजिस्टेंस बॉक्स इंक्लूड किया है। ओके, अकॉर्डिंग टू मी अगर हम रेजिस्टेंस बॉक्स से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं है एक्सपेरिमेंट सही आने की, बिकॉज आई टेल यू होता क्या है। देखो, आपने पीएन जंक्शन में देखा होगा, पीएन जंक्शन का नेचर कैसा था, पीएन जंक्शन का नेचर था ऐसे ऑल ऑफ सडन करंट हमारा बढ़ जाएगा, ये आपको दिखाया मैंने पिछले ग्राफ में लेकर के, नहीं देखा तो वापस देखो, ऑल ऑफ सडन देखो कुछ 0.4 वोल्ट के बाद मैक्सिमम करंट हो जाएगा। देखो 0.4 तक करंट जीरो है, मैं वापस आ रहा हूँ, 0.4 तक करंट जीरो है, जैसे ही 0.5 पहुँचूंगा, अरे बाप रे, करंट सीधा बढ़ जाएगा। जैसे ही 0.7 तक पहुँचूंगा, वो 12 एम्पियर तक पहुँच गया रहेगा। देख रहे हो कितना सडन स्पाइक है, अब तक 0.7 नहीं पहुँचा, कितना ज़्यादा यहाँ पर स्पाइक आ गया। तो उसी तरीके से जीनर डायोड किस में काम करता है, सो जीनर डायोड काम करता है हमारा रिवर्स बायस रीजन में, जो मैंने आपको बताया। पीएन जंक्शन डायोड हमारा रिवर्स बायस में डैमेज हो जाता है, जल जाता है, सो इस वजह से पीएन जंक्शन डायोड को हमने हाई डोपिंग कर दी, इतनी ज़्यादा हाई डोपिंग कर दी कि वो ब्रेकडाउन रीजन में सर्वाइव कर पाए। ओके, सो दैट्स इट, उसी से हमारा बना जीनर डायोड। एंड जीनर डायोड हम किस में ऑपरेट करते हैं, हम ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस में। किस में ऑपरेट करते हैं, रिवर्स बायस में, जिसमें हमारा ब्रेकडाउन रीजन हमें, हम उसको नेचर स्टडी करते हैं जो कुछ ऐसा होता है, यानी कि वही चीज़, वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट कुछ नहीं मिलेगा, ऑल ऑफ सडन एक ऐसी पॉइंट आएगी जहां पर करंट एकदम मैक्सिमम आ जाएगा, बट पीएन जंक्शन उसमें जल जाता था, जीनर डायोड हमारा जलता नहीं है। ओके, सो यही हमें कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है यहाँ पर। और मैं बात कर रहा था इस रियोस्टेट की, तो हमको स्मूथली चीज़ें वेरी करनी है। देखो जैसे यहाँ पर मैं स्मूथली वेरी कर रहा हूँ, स्मूथली एकदम वेरी कर रहा हूँ, मुझे चेंजेस नज़र आ रही है। अगर आप लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लेते हो, अब रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में रेंजेस हैं यहाँ पर यार, 10,000 के बाद 5,000, 2,000, 500, 200, मतलब डिस्क्रीट नेचर है, डिस्क्रीट नेचर, समझ रहे हो, तो डिस्क्रीट नेचर में रीडिंग्स फाइंड करना मुश्किल है। उसी का रिप्लेसमेंट होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, रेजिस्टेंस की वायर्स हैं यहाँ पर, वायर्स के पास लेंथ है, लेंथ के पास रेजिस्टेंस है, अल्टीमेटली वायर्स के पास रेजिस्टेंस है। जैसे आप इसको चेंज करेंगे, जैसे जैसे आप इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज होते जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, आपको वोल्टेज नज़र आएगी, आपको करंट नज़र आएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, फिर से कह रहा हूँ कोई और वे भी हो सकता है, फिजिक्स है, 10 वेज होते हैं एक ही चीज़ को करने के, ये डायग्राम सही नहीं है, ऐसे आंसर प्रॉपर नहीं आएगा। ओके, सो कौन सा डायग्राम सही है, सो ये डायग्राम सही है। ओके, तो अगर जिनके कॉलेज में ऐसे सर्किट है मैनुअल, तो वो लोग ये डायग्राम को फॉलो करें, आंसर आएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ओके, एंड जिनका ऐसे है रेडीमेड सर्किट, तो उनको तो कुछ टेंशन ही नहीं है। सो ये सर्किट डायग्राम कैसा है देख लेते हैं, आइए।
सो बैटरी का पॉजिटिव जाएगा रियोस्टेट के एक एंड में, बैटरी का नेगेटिव जाएगा रियोस्टेट के दूसरे एंड में। ये बैटरी का निकला नेगेटिव एंड गया एक एंड में, ये बैटरी का निकला पॉजिटिव एंड गया एक एंड में। मिलियामीटर का पॉजिटिव जा रहा है इसके पॉजिटिव में, मिलियामीटर का पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, रियोस्टेट के वेरिएबल में। एरो का मतलब होता है वेरिएबल आर्म, सो ये है पॉजिटिव, देखिए आया है वेरिएबल आर्म में। जो आर्म अलग रहती है वो होती है वेरिएबल आर्म, देखो यहाँ से ही आया है, ठीक है। मिलियामीटर का नेगेटिव जा रहा है डायोड के नेगेटिव में। अभी पीएन जंक्शन और जीनर डायोड का डायग्राम सिर्फ सेम ही रहता है, सिर्फ डायोड उल्टा लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं चेंजेस कर चुका हूँ, सो मिलियामीटर का नेगेटिव जा रहा है डायोड के नेगेटिव में, ठीक है। तो ये समझो ये है इस बार नेगेटिव आर्म, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव भी वहीं पर है, तो देखो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव भी वहीं पर है। यहाँ पर देखो दो वायर्स है, ये एक रेड एम मीटर की, ये एक वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर का नेगेटिव एम इसके पॉजिटिव में, सो देखो इधर एक ही वायर है पॉजिटिव से निकल के जा रही है यहाँ पर वोल्ट मीटर में, ठीक है। दैट्स इट। और एक कनेक्शन वापस यहाँ पर देना है, वो किस भी वे में आप दें। सो ये कनेक्शन है, बट यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग नहीं किया तो आंसर नहीं आता है। बाकी वे यही है, यहाँ से रेजिस्टेंस वेरी करो, वोल्ट मीटर और एम मीटर को नोट करो। उसके बाद ये भी डायग्राम आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये तो मैं ऑफिशियली कह सकता हूँ, बिकॉज व्हाट इज इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज आपने यहाँ से जो दे दी वोल्टेज, ये जो आप यहाँ से सप्लाई करते हैं बस वही है, उसको आपको चेंज नहीं करना है बार बार। तो यहाँ पर ये तो पूरी टेबल नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज। तो यहाँ पर आएगा करंट, यहाँ पर आएगी वोल्टेज। आइए अब देखते हैं, थोड़ी सी नज़र घुमाते हैं, ओके। सो मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट ये ग्राफ को वेरीफाई करना है, मुझे मेरा एम यही रहेगा। रीडिंग्स मैं नहीं लूँगा, रीडिंग्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के लिए, बट मैं पर्सनली नहीं लूँगा बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दैट्स इट। इसका कनेक्शन अगर आपको समझना है तो सिंपल है, इसका कनेक्शन आपको समझना है तो सिंपल है, मैं इसमें दिखा सकता हूँ, नहीं तो ओके सेम कनेक्शन है। वन मिनट भी नहीं लगता है, नहीं तो क्या स्टूडेंट्स डर जाते हैं, वो बोलते हैं सर इतना भारी कनेक्शन, यहाँ पर प्रिकॉशन के तौर पे ये बंद करना चाहिए। तो देखो इधर करंट का सेक्शन दिया है, यहाँ पर भी करंट मिली एम्पियर का दिया है। सो मीटर को कनेक्ट करना है ओरिजिनल सर्किट के साथ, ठीक है। इंटरनली ये सर्किट्स कनेक्टेड होते हैं। वोल्ट मीटर के लिए यहाँ पर वी दिया है, यहाँ पर वोल्ट मीटर का सेक्शन दिया है, तो वापस इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ इंटरनली कनेक्टेड है, ये जो लाइंस है ना, लाइंस का मतलब वही है, इलेक्ट्रिकली सब कनेक्टेड है, आप बाहर से करो सिर्फ। तो ये इनको किया, ये इसको इसके साथ किया, एंड दैट्स इट। अभी अगर ये दोनों मैं साथ में कनेक्ट करूँ, ये दोनों साथ में करूँ, तो ये पीएन जंक्शन सर्किट हो जाएगा। बट अगर ये वाली टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करूँ, ये वाली टर्मिनल यहाँ करूँ, तो यही जीनर हो जाएगा, ओके, नथिंग न्यू। सो आइए देखते हैं रीडिंग। सो यहाँ पर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, ब्रेकडाउन वोल्टेज में तो टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, सो वोल्टेज माइनस में है देखो सबसे पहली बात, एंड वोल्टेज की मैंने वन वोल्ट के लिए देखो करंट कितना है, करंट है जीरो। सो वन वोल्ट के लिए यहाँ पर करंट कितना है, करंट है यहाँ पर जीरो, ओके। सो उसके बाद अगर हम देखें टू वोल्ट, सो टू वोल्ट के लिए अगर देखूँ, सो टू वोल्ट के लिए कितना करंट है, टू वोल्ट के लिए भी करंट है जीरो। सो ये थी एक रीडिंग, ये है दूसरी रीडिंग, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो तीन वोल्ट के लिए कितना करंट है, अरे तीन वोल्ट के लिए भी करंट है जीरो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चार वोल्ट के लिए कितना करंट है, चार वोल्ट के लिए भी करंट है जीरो, क्या बात है। पाँच वोल्ट के लिए कितना करंट है, पाँच वोल्ट के लिए करंट है जीरो, ओके कोई बात नहीं, यानी कि अब तक इसका रीजन, अब तक इसका समय आया नहीं है और ये चलेगा काफ़ी, ठीक है। वो आपके लैब में डिपेंड करता है, जैसे कि ये वाला जीनर है, ये 11 वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होता है मुझे याद है, ठीक है। और ये वाला अभी मैं भी चेक कर रहा हूँ, सो अभी 6 तक जाना है, सो 6 वोल्ट पे देखो करंट आना चालू हो गया, ओके। सो 5.5 एम्पियर पे, समझो यहाँ पर कुछ बीच में है, 5.5 वोल्ट पे करंट है मेरा 1 एम्पियर, तो समझो 1 एम्पियर यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 मिली एम्पियर। देखता हूँ अभी, अभी अगर छोटी रेंज आ रही है तो अभी देखो करंट फटाफट बढ़ेगा। 5.4 के लिए देखो 2 हो गया, यानी कि देखो ये समझो यहाँ पर एक स्केल है मेरी, अभी ये 6 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, 5.5 से मेरा स्टार्ट हुआ ना, तो ये होगा 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, एंड यहाँ पर आएगा एंड। सो 5.6 के लिए करंट कितना है, 5.6, अच्छा 5.55, ओके ये और भी स्लो चेंज हो रहा है, बट आप देख सकते हैं करंट रैपिडली चेंज हो रहा है, ठीक है, करंट रैपिडली चेंज हो रहा है, और यहाँ से करंट रैपिडली चेंज हो रहा है, बट वोल्टेज देखो कॉन्स्टेंट ही है।
ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से, देखो ये 11 तक पहुँच गया है और ये सिर्फ 0.03 बड़ा है, ये 13 पहुँच गया, ये सिर्फ 0.04 बड़ा है। सो बस यही तो था जीनर। तो अब यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा, 5.5 से लेके 5.59 के बीच में यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा मेरा, ऑल ऑफ सडन सीधा 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 कितने तक, 14 एम्पियर तक पहुँचा है ना ये यहाँ पर। सो ये यहाँ पर रीडिंग हो जाएगी 14 एम्पियर। सो दिस इज़ द नेचर ऑफ जीनर डायोड। यही तो मैं आपको समझा रहा था पहले भी कि इनिशियली करंट जीरो रहता है और अचानक से एकदम स्पाइक होता है। तो अचानक स्पाइक कहाँ पर हुई है, तो अचानक स्पाइक हुई है इस डायोड के लिए 5.55 से लेके 5.59 वोल्ट्स तक। ओके सो ये थी हमारी रफ रीडिंग्स, काफ़ी ज़्यादा हद तक रफ थी। ये है मेरी फेयर रीडिंग्स। सो फेयर रीडिंग्स में आप देख सकते हैं ये दूसरे डायोड के लिए है, पहले ली थी। सो जो आपका ग्राफ आपका ऐसा आता है, इसको जस्ट आपको एक स्केल लेनी है और आपको एज इफ ऐसे अपीयर कराना है कि जहाँ से वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, अब जैसे यहाँ से देखो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो इसी को नीचे की तरफ ऐसे सीधा 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 करके प्लॉट करना है। और ये जो वोल्टेज है इसी को हम कहते हैं वी जीनर वोल्टेज, एंड यहाँ हमारा एक्सपेरिमेंट होता है ख़त्म। सो जीनर डायोड के लिए आप समझ गए, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाइवा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, रिवर्स बायस क्या होता है, ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है, पीएन जंक्शन से जीनर डायोड बनाया क्यों, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन अब आगे बताऊंगा, एंड इस तरीके से यही सब चीज़ें ज़रूरी हैं, नथिंग एल्स। एक्सपेरिमेंट ईजी है, सिर्फ वाइवा के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसी वीडियो में वो भी कवर हो जाएगा। सो वाइवा के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस वही रहता है वोल्टेज रेगुलेटर। ओके जीनर डायोड वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे काम करता है। और बेसिक क्वेश्चन रहते हैं रिवर्स बायस में क्यों कनेक्ट किया, रिवर्स बायस में इस वजह से कनेक्ट किया क्योंकि पीएन जंक्शन फेल होता था रिवर्स बायस में, उस वजह से जीनर डायोड बना, तो उस वजह से हम यूज़ ही उसको रिवर्स बायस में करते हैं। तो कोई पूछेगा फिर रिवर्स बायस में क्यों यूज़ करते हो, फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं करते हो ये क्वेश्चन, या वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है, तो सबका आंसर ग्राफ में है। ठीक है, सबका आंसर क्या है, ग्राफ में है। तो आपने देखा कि हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, बट करंट में चेंजेस नहीं आ रहे थे, वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे थे, करंट जीरो ही था, बट ऑल ऑफ सडन एक टाइम आया जब करंट एकदम मैक्सिमम हो गया और वोल्टेज के अंदर चेंजेस तब बहुत ज़्यादा कम ही थे। समझो जैसे मैंने यहाँ पर देखा, सो 5.55 से लेकर के 5.59 तक, समझो 5.55 पे करंट था समझो 1 मिली एम्पियर, और यहाँ तक करंट कितना हो गया, यहाँ तक करंट हो गया था 12 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर होता क्या है, अभी हमारे घर पे जो करंट आ रहा है समझो अनस्टेबल करंट है, स्टेबल नहीं है, वो करंट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो समझो 7 एम्पियर आना चाहिए, 7 मिली एम्पियर, वो कुछ प्लस माइनस 2 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 11 आ रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, कभी 9 आ रहा है। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, करंट समझो फ्लक्चुएट हो रहा है हमारे घर पे जो आ रहा है, ठीक है। अब समझो मेरे सर्किट में जीनर डायोड लगा हुआ है तो वोल्टेज कितनी फ्लक्चुएट होगी, तो वोल्टेज अगर आप देखो, आप इस वैल्यू के लिए देखो, आप इस वैल्यू के लिए देखो, आप कोई भी वैल्यू के लिए वोल्टेज में चेंज देखो, तो वोल्टेज चेंज कितनी हो रही है, 5.55 से 5.59 यानी कि 0.04 वोल्ट से चेंज हो रही है। अब ये तो लगभग बोलेंगे हम वोल्टेज चेंज ही नहीं हो रही है, वोल्टेज रेगुलेटर, दैट्स इट। समझ रहे हैं आप, मतलब जो भी अनस्टेबल करंट है मेरा उसकी जो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है वो एकदम रेगुलेटेड रहती है, इस वजह से हम कहते हैं जीनर डायोड वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को वो रेगुलेट कर देता है। करंट कितना भी हमारा फ्लक्चुएट होए हमारे घरों पे, वोल्टेज को फ्लक्चुएट नहीं होने देता है, एंड इस वजह से हम जीनर डायोड को यूज़ करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, एंड दैट्स इट। बाकी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, बस बेस ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है, डोपिंग क्या होती है, बेसिक क्वेश्चंस ही एक्सपेक्टेड हैं। मेरी एक और वीडियो है, आप यूट्यूब पे टाइप करें फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा क्वेश्चंस, मेरी वीडियो आ जाएगी, आप वहाँ उसमें और भी देख सकते हैं। फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम क्लास 12 वाइवा क्वेश्चंस टाइप करें, आपको वीडियो मिल जाएगी।